हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं कि सभी लोग उसमें बेयरिश होते जा रहे हैं, सब लोग डरे जा रहे हैं, डरने की वजह से शेयर को अब सेल किए जा रहे हैं। ओके, विदाउट नोइंग प्रोज एंड कॉन्स, रूमर्स आ रही है तो रूमर्स की वजह से उस शेयर को बेचते जा रहे हैं। ओके, और मार्केट नीचे आता जा रहा है और वो शेयर नीचे आता जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, शेयर नीचे आ रहा है। बट अगर मैं आपको कहूँ तो वो शेयर एक बब्बर शेयर है, बब्बर शेयर। वो शेयर वो एक केवल एक शेयर नहीं है, वो एक स्टॉक नहीं है, वो बब्बर शेयर है। और बब्बर शेयर जब भागते हैं, शिकार करते हैं, तो हो सकता है कि थक जाते हो। ओके, हो सकता है कि कभी कभी शिकार उनके हाथों से निकल जाता हो। बट जब वो शिकार करने पर आते हैं तो फिर वो शिकार, चाहे वो हाथी हो, ओके, कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा हाथी हो या बड़े से बड़ा कोई भी जानवर हो, उसका शिकार कर ही लेते हैं। तो ऐसा ही वो शेयर है, वो मार्केट का बब्बर शेयर है, तो उसे कुछ होने नहीं वाला। ओके, उसके रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स तो जानेंगे ही, एज वेल एज हम उसको थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे और रूमर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम इस तरीके की वीडियोस आपके पास लाते रहें। तो आइए पहले शेयर की तरह एक न्यूज़ दिखा देता हूँ। पहले आपको मैं यहाँ पर डिलीवरीज दिखा देता हूँ। लोग डर रहे हैं, ओके, बट डर रहे हैं तो क्या है कि जो समझदार है, ओके, जो मार्केट को काफ़ी टाइम से एनालाइज करते रहे हैं, मार्केट में ईयर काफ़ी सालों से मार्केट में है, तो वो जानते हैं कि अगर कोई बड़ा शेयर गिरता है तो उसे एकोमुलेट किया जाता है, उसे ख़रीदा जाता है। और किस तरीके से किया ख़रीदा जाता है, बाय ऑन डिप्स की तरह। और बाय ऑन डिप्स होता क्या है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऊपर लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख लेना, तो आपको बाय ऑन डिप्स होता क्या है, कैसे करना है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आ गया यहाँ पर, आप जैसे देख रहे हैं आज के दिन में कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, लगभग 4 करोड़, ओके, 9,31,170 करोड़, ओके, इतना ये क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और उसमें से भी लोगों ने डिलीवरीज़ कितनी उठाई है, डिलीवरीज़ मतलब आज ले ली तो लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब 4-5 साल तो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो इतना लेके चलते हैं। बट अगर कोई 1 महीना 2 महीना कि हाँ शेयर बढ़ जाएगा तब बेच देंगे, तो उसे भी एक तरीके की डिलीवरीज कह देते हैं। और कितनी डिलीवरीज उठाई गई है, 1,10,64,654 शेयर्स की यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है, मतलब 27.03। लोग डर रहे थे, बेच रहे थे, ओके, बट यहाँ पर काफ़ी लोग खरीद भी रहे थे, क्योंकि उन्हें इस शेयर की ताकत पता है। और होता क्या है कि लोग रूमर्स फैलाते हैं, तो रूमर्स फैलाते हैं तो लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रॉबिन हुड इन्वेस्टर्स जिन्हें कह देते हैं, कि जो कि आजकल की डेट में मार्केट में आया, जो पेंडेमिक हुआ है, तो होता क्या है कि वो इन शेयरों को बेचते रहेंगे और निकल जाएंगे। और वो कितना हो सकता है कि उन्होंने बहुत नीचे से ख़रीदा हो, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा हो, 70-80-90-100% तक का, बट वो 100% लेके निकल जाएंगे, या वो 90%, 80%, 70%। बट उन्हें ये नहीं पता कि इस शेयर की ताकत कितनी है, कि वो आपको 100%, 10%, 50% के लिए नहीं बना, वो पढ़ना है 1000% के लिए, वो बना है 5000% के लिए। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, और शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो देखिए शेयर का नाम बता देता हूँ, शेयर का नाम रिलायंस है, ओके, सबको पता है, इंडिया का नंबर वन, ओके, मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये शेयर है। और आपको बताना चाहूँ तो ये निफ्टी 50 में अकेला ही 15% का वेटेज रखता है। होता क्या है कि ये शेयर नीचे जाता है तो मार्केट भी नीचे आ जाती है, निफ्टी 50 नीचे आ जाती है, ये शेयर भागता है तो मार्केट भी भागने लग जाता है। बट अभी सारे शेयर चल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है कि सभी बैंकों के स्टॉक्स, निफ्टी 50 के सब स्टॉक आपको 2-4 छोड़ के सब आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे। बट और रिलायंस नीचे जा रहा है, जिसका वेटेज ही 15% है। तो हुआ क्या है कि कुछ न्यूज़ पिछले टाइम से कुछ इसके रिलायंस के फेवर में नहीं आ रही है, काफ़ी सारे फेक न्यूज़ आ रही है, कुछ कंपनीज को, फाइनेंशियल कंपनीज है, वो अपने इसके अलग टारगेट बता रही है, सोच रही है कि ये शेयर है ये गिर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और हो भी जाता है तो आपको एक मौका मिलेगा, ओके, तो उस मौके को फ़ायदा उठाते रहिए। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए आज के दिन ही बात की जाए तो लगभग 22.95 रुपीज़ के यहाँ पर गिरावट है, मतलब 1.22। 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, गिरावट। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, गिरावट, ओके, बट 6 मंथ में पॉजिटिव। बट हम 6 मंथ की बात नहीं करते अभी, हम बात करते हैं 1 मंथ की। तो 1 मंथ में अगर देखेंगे तो ये लगभग 2,287 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा था,
और अगर गिरावट देखी जाए तो लगभग 20% की, 18.9% की गिरावट। 433 रुपये ये शेयर अभी टूट चुका है, और पिछले वीक से तो ये टूटता जा रहा है, गिरता जा रहा है ये शेयर। ओके, अब हुआ क्या है, किस वजह से टूट रहा है, तो आइए जान लेते हैं। देखिए, रिजल्ट आए थे, ओके, रिजल्ट पॉजिटिव थे, लोगों को लग रहा होगा नेगेटिव थे, तो मुझे नहीं लगता नेगेटिव थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके रिजल्ट में। देखिए, जियो का बिजनेस है ऑलरेडी, मैं हमेशा इस वीडियो बनाता हूँ, रिलायंस भी बताता हूँ, तीन सेगमेंट में ही काम करता है, ऑयल का बिजनेस है, जियो का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है। तो देखिए, जियो का बिजनेस बढ़िया प्रॉफिट, बढ़िया प्रॉफिट करके दिया है। इसके अलावा रिटेल की बात की जाए तो फ्लैट फ्लैट है, फिर भी वहाँ पर आपको जंप दिखाई देगी ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगर बात की जाए आपके ऑयल के बिजनेस की, तो देखिए ऑयल का बिजनेस तो इसका काफ़ी टाइम से ही नीचे जा रहा है। ओके, इस बार भी नीचे गया, लास्ट क्वार्टर में भी नीचे गया था, और लास्ट क्वार्टर में गया था, बट फिर भी शेयर में देखिए यहाँ पर जंप ही नज़र आई थी। लास्ट क्वार्टर में जब अगस्त में इसके रिजल्ट आए थे, तो उसके बाद भी यहाँ पर देखिए जंप नज़र आई थी, इस तरीके से गिरा नहीं था। बट अभी हुआ क्या है कि अभी कुछ न्यूज़ मार्केट में आ गई है, उस न्यूज़ की वजह से ये शेयर गिरता जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। पहली न्यूज़ तो यही है, अंबानी साहब की जो फ्यूचर ग्रुप के साथ डील थी, ओके, तो जो हमारे दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी है, अमेजोन जिस कंपनी के मालिक है, तो अड़ंगा लगा रहे, एक बिजनेस राइवल होते हैं ना, तो इनकी बिजनेस में अड़ंगा लगा रहे उस डील को होने से। तो इस वजह से ये शेयर थोड़ा सा आप कह सकते हो वो एक रीज़न है कि जिस वजह से ये शेयर गिरता जा रहा है। और तो हुआ क्या है कि आपको क्या लगता है, ठीक है, उन्हें एक इन्हें बिग बाज़ार, जैसे बिग बाज़ार उनके फ्यूचर ग्रुप का एक हिस्सा है, तो बिग बाज़ार रिटेल में काम करता है, और बिग बाज़ार इन्हें मिल जाएगा लगभग 1500 ब्रांचेज मिल जाएगी ऑल ओवर इंडिया। तो एक थाली में सजा सजाया इन्हें केक है, जो खाना है वो उन्हें खाना है। बट अगर कैंसिल हो भी जाता है, समझ लीजिए फ्यूचर ग्रुप से इनका टूट जाता है, कैंसिल हो जाता है, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, ओके, 6 महीने 1 साल तो में ये अगर दोबारा चाहेंगे तो 1500 नहीं 15,000 ऐसे स्टोर्स खुलवा सकते हैं इंडिया में। और ये अमेजोन अमेजोन बाहर की कंपनी, और हैशटैग चल गया ना जिस दिन की बैन अमेजोन, तो उस दिन अमेजोन को पता चल जाएगी और यहाँ पर ये बाजी मार के ले जाएंगे, ठीक है। तो एक तो चीज़ हो गई ये, अब दूसरी ये डील थी, अब दूसरी रूमर्स क्या था, तो दूसरा जो रूमर्स है एक इनकी हेल्थ के ऊपर था कि हम मुकेश अंबानी साहब है, इनकी हेल्थ ख़राब हो गई है। तो अब कोई भी कंपनी होती है, अगर उसका जो फाउंडर तो नहीं कहेंगे, फाउंडर तो धीरू भाई अंबानी साहब थे, बट इनके बेटे मतलब एक CEO ही बीमार हो गया है, हेल्थ ख़राब हो गई है, तो थोड़ा सा डर बैठ जाता है, उस वजह से भी शेयर में गिरावट नज़र आई है। बट ये फेक न्यूज़ थी, रूमर था ये। और एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी जिसकी वजह से कल से मार्केट गिर जाए, तो कल एक मैक्यूरी एक कंपनी है, ओके, ये फाइनेंशियल कंपनी है, तो इसने अपने, जैसे बताते हैं ना, इसने इस ब्रोकर ने यहाँ पर आपको इस कंपनी का टारगेट बताया, इसने इसका टारगेट बताया, तो इसने भी एक रेटिंग बताई है, टारगेट बताया है, तो क्या बताया देख लीजिए। मैक्यूरी केम आउट विद एन अंडर परफॉर्म रेटिंग ऑन RIL रिलायंस विद अ फेयर वैल्यूएशन एट ₹1195। तो अभी कितना चल रहा है, लगभग 1800 के आसपास, और इसने 1195 मतलब 1200 के आसपास इसने अपनी बताई है कि 1200 तक ये शेयर फेयर प्राइस पे है, बाकी तो ये अलग ही गया हुआ है। तो ये देखिए इंडिकेटर डाउन स्ट्रेस रिस्क ऑफ 42%, तो मतलब इसने 42% शेयर को मतलब फ्राइडे को कितना चल रहा है, ₹2054, तो इसने 40% डाउन कर दिया है 1195। देखिए कभी कभी इनकी बातें सच भी हो जाती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमेशा ही झूठ बोलते हैं, मतलब ये कोई, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये खुदा तो है नहीं, ना ये भगवान है, ना ही इनके पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है कि इन्होंने देख लिया कि हाँ भाई रिलायंस 1195 की हम रेटिंग दे देते हैं, तो ऐसा तो ये बोलते हैं, बट कुछ होते हैं डरने वाले तो बेच के चले जाते हैं, या फिर कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं तो वो भी खेल करना शुरू कर देते हैं और शेयर को गिराना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं पिछले 1 महीने में। तो यहाँ पर शेयर्स देखिए गिरते जा रहा है, और अगर दो दिन की बात की जाए जब से ये न्यूज़ आई है, तो देखिए लगभग इतने पे ये शेयर चल रहा था, और यहाँ से भी अगर हम देखें तो लगभग 10% की गिरावट अभी भी उस न्यूज़ के बाद यहाँ पर होती जा रही है। तो मतलब शेयर गिरता जा रहा है, तो मैंने भी ख़रीदा है, बहुत सारे लोगों ने भी ख़रीदा है, और बहुत सारे लोगों ने लगभग यहाँ पर जो 52 वीक हाई है ना, लगभग
23.69 यहाँ पर भी खरीदा लोगों ने। तो क्या हुआ कि अब डर के निकल जाए, रिटेल इन्वेस्टर है वो डर जाते हैं और डर के यहाँ पर निकल जाएंगे, बट उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर अगर आप निकल गए, नो डाउट आप निकल जाओगे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा लॉस बुक कर लोगे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि जो नए नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी है 800 रुपये 75 रुपये में, तो उन्हें कितना मिल जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम देखे जाए तो 111% उनके पैसे डबल अभी भी है, ठीक है वो निकल जाएंगे, नो इशू। बट आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी एक वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक दे दूंगा, रिलायंस का फंडामेंटल से रिलेटेड। तो इसके टारगेट लोगों ने 5-5,000 और 10-10,000 बनाए हैं, बताए हैं, और ये कंपनी ऐसी कंपनी है कि आपको उस टारगेट को मीट होती हुई नज़र आएगी। बट ये नहीं होता कि आज के दिन ये अगर पिछले 6 महीने से अच्छा परफॉर्मेंस देती आई है तो हमेशा आगे भी देगी, थोड़ा गिरावट होगी, यहाँ पर भी देख रहे हैं 6 महीने में देखिए ऊपर नीचे गिरावट, बट ट्रेंड क्या है ऊपर की तरफ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर चला, फिर यहाँ पर गिर गया, फिर यहाँ पर से उठा, फिर यहाँ पर से गिर चला, यहाँ पर गिरा, तो ये अच्छी कंपनी की पहचान होती है, उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, बट ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड होता है हमेशा ऊपर की तरफ, कि ऊपर की तरफ ही आपको ये शेयर भागते हुए नजर आएगा। बेशक से आपने किसी भी पोजीशन पे कहीं पर भी ये शेयर खरीदा हो, यहाँ पर 2400 2300 के आसपास भी अगर आपने शेयर खरीदा है, तो आपको डरने की बात नहीं है, आपके पास ये जब ये गिरावट हुई है एक मौका मिला है बाय ऑन डिप्स करने का, बाय ऑन डिप्स करिए शेयर में। ओके, आपके पास 1 लाख रुपीज़ का अगर बजट है या आपके पास 10,000 रुपीज़ का बजट है, तो एक एक शेयर खरीदिए, जिसका जितनी कहते हैं कि जितने आपकी हिम्मत है उस हिसाब से आप इसमें शेयर को खरीदते रहिए। ओके, एक शेयर खरीद सकते हैं, दो शेयर खरीद सकते हैं, पांच शेयर खरीद सकते हैं, एज पर योर बजट जितना आप शेयर खरीद सकते हैं, ये बाय ऑन डिप्स कर करके खरीदिए। बट अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैक्यूरिन ने कह दिया है कि भाई कितना 1195 आएगा, तो 1195 आएगा तो हम खरीदेंगे, तो आपको बताना चाहता हूँ ये कोई भगवान तो है नहीं कि इसने 1195 बता दिया तो ये शेयर 1195 आ जाएगा, तो ऐसा होना होता तो ये शेयर सीधे लोअर सर्किट मारता, लोअर सर्किट मार के हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर गिर भी जाता है तो आपको मौका मिलेगा इस शेयर को एकुमुलेट करने का, तो आप यहाँ पर एक शेयर यहाँ पर खरीदिए, फिर बाय ऑन डिप्स, फिर 50 या 1,100 रुपीज़ का डाउन अगर भी जाए फिर एक शेयर खरीदिए, एक आपका एवरेज बन जाएगा। और लॉन्ग टर्म में आपको दिखाना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म में ये शेयर यहाँ पर नहीं रहने वाला और ना ही शेयर ये 2300 रुपये रहने वाला है, लॉन्ग टर्म में 5,000 भी जाएगा, 10,000 भी जाएगा, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ओके, और इनके जो बिजनेस है रिटेल की, ओके, एज वेल एज जियो का, आपको पता ही है जियो आया था तो अच्छी अच्छी कंपनीज छोड़ के चली गई थी, बंद हो गई थी अच्छी, वोडाफोन आइडिया अभी भी बंद होने की कगार पर है, एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी अभी भी कभी भी नीचे चली जाती है, बट ये कंपनी पे आप ध्यान दे सकते हैं, रिलायंस है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंडिया की नंबर वन कंपनी है, तो आप इस न्यूज़ की वजह से कि हाँ चला जाएगा, ठीक है चला जाता है तो और अच्छी बात है ना, आप लोगों को और नीचे मिलेगा, बट अगर आप सोच रहे हो कि 1195 आएगा तभी मैं खरीदूंगा तो आपकी गलत फहमी है, ये शेयर हुआ तो कल की तरह डेट में ही ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, और कल की डेट में आपको 2,000 रुपये दिखे और परसों आपको 2,200 दिखे, फिर 2,400 दिखे और 3,000 तक भी चले जाए, फिर आप कहेंगे कि हाँ नहीं खरीदा। तो इसलिए जब शेयर गिरे मौका मिलता है, अब ये जितना शेयर गिरता है आपको अकोमोडेट करने का मौका मिलता है और आप उसे खरीद सकते हो, उस शेयर को खरीदिए ताकि फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिले। अब लोग देखिए भाग रहा था तब यहाँ पर 2300 पर भी खरीदे था, बट अभी गिर रहा है तो सब डरे हुए, जब गिरता है तो हमारे वॉरेन बफेट साहब ने क्या बताया कि जब लोग डरे हुए हो तब खरीदिए, तो यहाँ पर लोग डरे हुए हैं, तो डरे हुए हैं तो यहाँ पर खरीदिए, देखिए खरीदा है ना लोगों ने, 1,10,64,654 शेयर्स खरीदे गए हैं, जिसने खरीदना था उससे खरीदा, बट जो डर रहा है ठीक है वो फिर डरता रहेगा, फिर तो उसके लिए कहीं पर भी ये शेयर मार्केट बने ही नहीं है, फिर वो आप अपना पैसा बैंक में रखिए, 4% लीजिए, FD में रखिए, 7% लीजिए और खुश रहिए। बट अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टर कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, लॉन्ग टर्म का मतलब ये मैं 1 महीने 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 साल 4 साल 5 साल की बात कर रहा हूँ, ये शेयर यहाँ पर नहीं रहेगा और कहीं लेवल पर जाएगा, प्लस में स्प्लिट, अगर स्प्लिट बोनस वगैरह सब कुछ दे दिया, डेट फ्री कंपनी है अगर, तो आपको ये आपके शेयर की कीमत बढ़ जाएगी और लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं तो आप भी इतना कमा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नहीं कमा सकता, तो थोड़ा सा विश्वास रखिए मार्केट पे, अच्छे शेयर है, निफ्टी 50 का सबसे बड़ा शेयर यही है, तो आप इसे खरीदिए। तो यही रूमर्स थे कुछ, और कुछ यहाँ पर न्यूज़ थी, जियो से रिलेटेड न्यूज़ थी, अमेजोन से रिलेटेड न्यूज़ थी, रूमर्स था हेल्थ से रिलेटेड, ओके, एज वेल एज यहाँ पर टारगेट दे दिए थे इन भाई साहब ने, तो ये सब वजह से यहाँ पर गिर रहा है और कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर ये शेयर है, बब्बर शेयर है मार्केट का,
तो ये बब्बर शेर हो सकता है कि थोड़ा सुस्ताए, रुक जाए, बस शिकार जब करेगा तो शिकार को लेके ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये गिर जाएगा। तो आप यहाँ पर इस पर विश्वास कर सकते हैं। शेयर बाजार में आप एक्यूमुलेट करना शुरू करिए, जितना गिरता है एक एक शेयर, और लमसम मत करिए, बाय ऑन डिप्स करिए। बाय ऑन डिप्स का ऊपर लिंक मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप उसे बाय ऑन डिप्स करके खरीदिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो यही वीडियो मुझे बतानी थी कि हाँ, यहाँ पर मार्केट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ना कि आपको डरने की ज़रूरत है। तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप इसे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, ना कि भागते हुए ट्रेन पे आप चढ़िए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।